और इसमें निश्चित रूप से जितना सीट गठबंधन में हम लोग को 6 सीट मिलेगा और एक राज्यसभा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, अमित शाह जो हैं वो मुजफ्फरपुर के दौरे पर आ रहे हैं। इस बीच महागठबंधन हो या बिहार में एनडीए, दोनों ही साइड जो है वो सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। अगर बिहार एनडीए की बात करें तो काफ़ी खींचतान जो है वो पशुपति पारस और चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा है सियासी गलियारों में कि होने वाली है, क्योंकि पशुपति पारस भी कह चुके हैं कि उन्हें जो है वो 6 सीट तो मिलनी ही चाहिए। और तो इस बीच लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के तरफ से बड़ा बयान आया है सीट शेयरिंग को लेकर। दरअसल चिराग पासवान के करीबी नेताओं में से एक राजू तिवारी ने कहा है कि उनकी पार्टी को 6 सीट जो है वो मिलने जा रही है। एग्जैक्ट लाइन जो है वो यही थी कि उनकी पार्टी को 6 सीटें जो हैं वो मिलने जा रही हैं, एक राज्यसभा सीट जो है और मिलेगी। तो सबसे पहले राजू तिवारी बिहारी कैसे पूरे देश में विश्व में गौरवान्वित गाली को शब्द जो बन गया बिहारी, उसको हम लोग उससे मुक्ति लें। अब बिहार जिस दिन सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा हो जाएगा, बिहार में कल कारखाने लग जाएंगे, बिहारियों को यहाँ पर रोजगार मिल जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, तो निश्चित रूप से बिहार हमारा सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा प्राप्त करेगा। इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम लोग निकले थे और निश्चित रूप से बहुत कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जल्द ही हम लोग बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं की गठन कर लेंगे। अब आगे आप लोग लोकसभा की क्या तैयारी? देखिए, लोकसभा की 40 सीट पर हम लोग बूथ पर तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए कि हम लोग आज 24-25वां जिला है और इस तरह से हमारे नेता लगातार चिराग पासवान जी सभी जिलों में भ्रमण कर रहे हैं, हम लोग अलग भ्रमण कर रहे हैं और नेता के द्वारा निर्देशित कई विभिन्न संगठन से दृष्टिकोण से कार्यक्रम चल रहा है और इसमें निश्चित रूप से जितना सीट गठबंधन में हम लोग को 6 सीट मिलेगा और एक राज्यसभा। लेकिन हमारे नेता का उद्देश्य है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 40 सीट पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। गठबंधन अगर दल को भी मिलता है तो वहाँ सबसे आगे रह करके चुनाव में अपने शक्ति का प्रदर्शन करेगी और चुनाव में सीट को जिताने का काम करेगी। संकल्प यात्रा में कि कुछ पुराने कार्यकर्ता नजर, देखिए ये अब नजर नहीं आए, उनकी कुछ मजबूरियां होंगी और निश्चित रूप से पार्टी में अनुशासन होना चाहिए और जिस हम उन लोगों से बात हुई है वो लोग व्यक्तिगत कोई कारण से नहीं आए हैं, तो निश्चित रूप से किसी का व्यक्तिगत कुछ कारण नहीं आया, लेकिन अगर आपका जहाँ इशारा है ऐसी कोई बात नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक एक कार्यकर्ता एक साथ है, आदरणीय चिराग पासवान जी में आस्था व्यक्त करता है, उनके नीतियों में आस्था व्यक्त करता है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में आस्था व्यक्त, प्रदेश के और बड़े नेता पदाधिकारी पंचायत स्तर तक के हमारे बूथ पंचायत अध्यक्ष प्रखंड कमेटी के लोग हम लोग इकट्ठा हुए थे और बहुत ही उत्साह से लबरेज हमारे सभी पदाधिकारी थे, उनके बीच साथ हम लोग बैठक किए और सब लोग हम लोग संकल्प लिए, जैसा कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने के निर्देश पर हम लोग सभी जिला में संकल्प कार्यकर्ताओं के साथ ले रहे हैं कि हर बूथ पे 10-10 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मजबूत कार्यकर्ता का गठन करना, इसके बाद गठन करने के उपरांत फिर हम लोग एक बैठक करेंगे, बड़ी बैठक करेंगे। अभी हम लोग लगभग बड़ा बैठक हुआ, 700-800 की संख्या में हमारे सभी कार्यकर्ताओं की बैठक थी, ये कोई भाषण वाला नहीं था, सबसे प्रखंड स्तर के नेताओं से राय विचार किया गया और इसमें हम लोग संगठन को बहुत बेहतर और शानदार बनाने हैं और जैसा कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं के हमारे नेता ये हैं चिराग पासवान के सबसे करीबी नेताओं में से एक राजू तिवारी, जिन्होंने बिहार के औरंगाबाद में ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 6 सीटें जो हैं वो एनडीए में जो है वो लोजपा रामविलास को मिलने जा रही हैं। ये बयान जो है वो काफ़ी अहम हो जाता है। दरअसल राजू तिवारी जो हैं
वो औरंगाबाद पहुंचे थे, जहां पर औरंगाबाद में उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और किस तरीके से पार्टी को औरंगाबाद ज़िले में मजबूत किया, इस पर जो है वो चर्चा और मंथन किया जाए। और बैठक के बाद जब मीडिया से मुखातिब हुए राजू तिवारी, तो उन्होंने क्लियर किया कि 6 सीटें जो हैं वो NDA में लोजपा रामविलास को मिलने जा रही है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।